देवास में प्रदेश के लोक निर्माण एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 34 में दो निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। इनमें महारानी राधाबाई शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नव निर्मित भव्य द्वार एवं बाउंड्री वॉल तथा शासकीय प्राथमिक विद्यालय क्रमांक 3 परिसर में नवीन आवासीय बालक छात्रावास के 4 कक्षों का लोकार्पण शामिल है। लोक निर्माण मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि जिस क्षेत्र के पार्षद सक्रिय हैं, उनके क्षेत्र में निर्माण एवं प्रगति की कहानी लिखी जा रही है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए हम सब एक हैं, हम सब की प्रतिबद्धता देवास व यहाँ के आम नागरिकों के लिए है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी का स्वच्छ, स्वस्थ व सुरक्षित मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प है। इसी संकल्प को लेकर प्रदेश में विभिन्न प्रकार के माफियाओं के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रदेश भारत का हृदय स्थल है, यहाँ सभी लोग भाईचारा व स्नेह से रहते हैं। आज वार्ड 34 में राजेश यादव का वार्ड है, यहाँ पे उद्घाटन है निर्माण कार्यों का, और जो पार्षद सक्रिय रहते हैं उनके इलाके में निर्माण होता है, और ये उसकी बिल्कुल गवाह है आज का उद्घाटन कि सक्रिय पार्षदों के वहाँ अन्य क्षेत्रों से ज़्यादा काम होता है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट।